मौत के 9 साल बाद लौटी उषा। उषा की 30 साल की उम्र में गैस सिलेंडर से जलने से हुई थी मौत। ये नन्ही बच्ची जो आप देख रहे हैं, इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये मामला सामने आने के बाद भास्कर की टीम राजसमंद पहुंची। मामले की पड़ताल में जो बातें सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। बच्ची की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। नाथ द्वारा से सटे गांव में रतन सिंह रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी किंजल बार बार अपने भाई से मिलने की बात कह रही थी। परिवार ने बच्ची की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2 महीने पहले जब माँ ने किंजल को उसके पापा को बुलाने के लिए कहा तो बच्ची बोली, पापा तो पिपलांत्री गांव में है। पिपलांत्री वो गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की 9 साल पहले मौत हो गई थी, और अब किंजल ये दावा कर रही है कि वो उषा ही है। इसके बाद सामने आई किंजल के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कहानी। कहीं नहीं, इस बोले हो के मैं उनके चाय बनाई जो मैं क्यों तो पापा ने चाय दे जो ने ये पास बहना जो है ना, वो बड़ी वाली बहन रो नाम लिया कि मैंने को नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊ, मारे पापा थोड़ी है के मैं क्यों जदि था जदि थारे पापा कटे कि माँ तो गांव पिपलात्री है, मारे पापा भी पिपलात्री है, मार मम्मी है, पापा है, मार भाई है, दादी जी है। किंजल के इस जवाब ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। किंजल ने जो आगे का किस्सा बताया ये सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई। पिछले जन्म का जिक्र करते हुए उसने बताया कि 9 साल पहले आग लगने से उसकी मौत हो गई थी। ये बात आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। ये कहानी जब पिपलांत्री गांव के रहने वाले उषा के भाई पंकज को पता चली तो वो परावल पहुंचा, जिसे देखकर किंजल दौड़कर भाई से मिलने के लिए बाहर आ गई। फोन में माँ और उषा का फोटो दिखाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हम गए थे तो वो एक कमरे में थी जो वो दौड़कर बाहर आई थी, और मैंने मेरे को भी पहचाना और मेरे मम्मी जान फोटो बताया था तो वो भी पहचान गई और मेरा फोन लेके आने वो रोने लग गई थी, एक कमरे में कैद हो गई थी। बच्ची ने पंकज को जो जो बातें बताई उसके बाद पंकज को यकीन हो गया वो उसकी बहन उषा ही है। जो जो वो बात बता रही थी वो तो हमारे घर पे सब वो मिल गए थे। क्या क्या बता रही थी उषा? हमारे घर के बाहर वो फूल बता रही, तो फूल भी है, और हमारे खेत पर एक कमरा जैसा बना हुआ है तो वो भी है। इसके बाद किंजल बार बार परिवार से मिलने की जिद करने लगी, और 14 जनवरी को किंजल अपनी माँ और दादा समेत परिवार के कुछ लोगों के साथ पिपलांत्री गांव पहुंची। उषा की माँ गीता पालीवाल ने बताया कि जब वो गांव आई तो ऐसा लगा जैसे बरसों से वो यहीं रह रही हो। जिन महिलाओं को वो जानती थी उनसे बात की, यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में किंजल ने पूछा कि वो फूल अब कहाँ है। गांव में आई जो बतायो ना पापा क्यों कटे फूल बेटा जो बनी बतायो कि यो यो अटे फूल ले यो। और वह सब परिवार वाला ली दी इनवा को यो भी उनवा। इसके बाद से किंजल और उषा के परिवार के बीच अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल अब रोजाना अपनी माँ और भाई से वीडियो कॉल पर बात करती है। सुबह रोज फोन आता है, बात करती है, चाय पी नहीं पी, खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसी कुछ बातें करती है। और नहीं कराओ तो क्या कहती है? बार बार फोन करती रहती है। कई कहे बच्ची आपने बात? हमे भाइयों के मम्मी जी आप कई करी रहा है, मम्मी जी आप साथ ही दिख नहीं, मम्मी जी आप कई कर रहा है, पापा जी कहते हैं, पापा जी बताओ यूं यूं। आप फोन करें और भी? हाँ फोन करें। इस मामले को लेकर डॉक्टर सुनील खिराड़ा का कहना है कि ये पार्ट ऑफ पैरा साइकोलॉजी है। हालांकि ये केस कॉमन साइकोलॉजी से परे है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है। दुनिया में इससे पहले भी कुछ इसी तरह के केस सामने आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो परवल गांव की इस बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर विस्तार से जांच होनी चाहिए। 4 वर्षीय इस मासूम के पुनर्जन्म का मामला सिर्फ राजसमंद में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अब चर्चा का विषय है। फिलहाल पिपलांत्री का यह ब्राह्मण परिवार राजपूत समाज की एक 4 वर्षीय बेटी को पाकर बेहद खुश है। माँ, बहन और भाई अब इस मासूम से बात के बिना नहीं रह सकते हैं, और अब वो इनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। सतीश शर्मा, दैनिक भास्कर, राजसमंद।